عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير المؤيد لا شريك له إله واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسم میں جارے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے واجب الاحترام علماء کرام میرے کراچی کے اہل توحید مسلم بھائیوں باؤں بہنوں بیٹیوں ہم آج ایک بہانہ اصلاحی دعوتی پروگرام کے عنوان سے جمع ہیں ماشاءاللہ آپ کی حاضری دیکھ کر جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے جس طرح آپ اپنے وجود سے اللہ کے گھر کو بھر دیتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ آپ کے گھروں کو دفتروں کو آپ کے کاروبار کو اپنی رحمت سے بھر دے عنوان آپ تک پہنچ چکا تقریباً ایک گھنٹے کا وقت ہے میرے پاس اس میں شاید سوال جواب بھی ہوں سوال جواب بھی چونکہ سوالوں والا ٹائم جو ہے نا یہ نظم والے لے گئے ہیں اس میں میرا قصور نہیں ہے بہت سارے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو مترادفات میں سے بھی ہیں اور تھوڑے تھوڑے باریک فرق بھی ہوتے ہیں جیسے نصرت نون سواد ریتے اس کے معنی مدد کرنے کے ہوتے ہیں
और इस्तेआनत के मानी मदद मांगने के होते। एक शख्स आपको हेल्प हेल्प की सजाएं देता है, वो गोया आपसे इस्तेआनत चाहता है, और आप अगर उसकी मदद कर रहे हैं तो आप नासिर भी हैं, नसीर भी हैं। इसी को उर्दू जुबान में इस्तिमदाद भी कहते हैं, जैसे हम लफ्ज मदद कहते हैं। ये बात इस्तिफाल का खासा ये होता है कि उसमें चाहत के मानी पाए जाते हैं, जैसे इस्तगफार बख्शिश चाहना, इस्तिमदाद मदद चाहना, यही मामला इस्तियानत का है। इसमें दो बुनियादी किस्में हैं, एक मदद तहतन असबाब होती है और एक मदद फौकन असबाब होती है। तहतन असबाब जो मदद होती है वो हम रोजमर्रा के कामों में एक दूसरे से लेते हैं। मसलन मैं यहां बैठा हूं, मुझे प्यास लगी है, मैंने किसी से कहा यार पानी का गिलास दे दो, उन्होंने पानी दे दिया। ये मैंने ऐसी इस्तेआनत हासिल की और खैरुल्लाह से की जो तहतल असबाब, वो बंदा मेरे करीब था, मैं बोलना जानता था, वो सुनना जानता था, फासला इतना ज्यादा नहीं था, मेरी आवाज वो सुन सकता था, फिर पानी भी आसपास मौजूद था, गिलास भी मौजूद था, वो ये चीजें सब करके लाकर मेरे सामने पानी उसने रख दिया। इसलिए कि सारा मामला तहतल असबाब, गिलास भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, लाने वाला मौजूद है, मांगने वाला मौजूद है, फासला भी कम है, उसके कान सलामत है, मेरी जुबान सलामत है, हम एक दूसरे को बात समझा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, और वो सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। अल्लाह ताला का जो मामला है वो फौकत असबाब, वो किसी सबब का मोहताज नहीं। अब आप यहां से अल्लाह को आवाज देते पुकारे, और ये भी तमाम अहले हदीस का अकीदा है और यही मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह की जात अर्श पर मुस्तवी है। जब उसकी जात अर्श पर है तो अर्श तो यहां से बहुत दूर है, पहला आसमान ही इतना दूर है, फिर इतना ही इससे ऊपर वाला आसमान, फिर इतना उससे ऊपर वाला, सातों आसमानों की दूरी, फिर ऐसे ही उससे ऊपर अर्श, और फिर अर्श से ऊपर अल्लाह की जात के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात। अब वो इतनी दूरी पर सुनता है, सबब कोई मौजूद नहीं है, बजाहिर ना टेलीफोन है, ना कोई वायरलेस सिस्टम है, कोई भी बजाहिर सबब नहीं है, ये फौकत असबाब समाप्त हो रही है। अब ये खासा जब कोई बंदा अल्लाह के अलावा किसी और को देता है या किसी और में मानता है, ये यकीनन शिर्क है और ऐसा करने वाला मुशरिक, इसमें कोई दो राय नहीं। मिसाल के तौर पर आप यहां से बैठे हुए बगदाद वाली सरकार को आवाज देते हैं, जैसा कि लोग देते हैं, उनका नाम गौस पाक रखा हुआ है और गौस पाक के नाम से वो उनको पुकारते हैं। अब उनका ये भी अकीदा है कि वो सुन रहे हैं, फौत होने के बाद भी,
और इतना हजारों मीलों का फासला होने के बावजूद वो सुन रहे, टेलीफोन नहीं वो सुन रहे, कोई मोबाइल सिस्टम नहीं वो सुन रहे। ये सुनना फोकल असबाब था और ये अल्लाह का खासा था और हमने बंदों को दे दिए, यही शेष है। बल्कि आप देखें लोगों के सिर्फ इसी इस्तेआनत के नाम से किस कदर जहालत दुनिया में फैली, इसी इस्तेआनत के नाम से। कहते हैं कि शाह साहब यानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी जुम्मे का खुतबा दिया, खुतबे के, और ये मैं उस क्लिप को सुना रहा हूं जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, कौकब उकाड़वी साहब से बयान करते हैं, खुतबा दे रहे हैं और दौरान खुतबा देते देते अचानक ऐसे हाथ किया और फिर हाथ ऊपर किया और आस्तीन सारी गीली हो गई और पानी टपकने लगा बस आस्तीन से। किसी ने पूछा, हजरत आज आपने खुतबे के दौरान ऐसा काम किया जो इससे पहले कभी नहीं किया, ऐसा क्या था? आपने ऐसे हाथ किया और फिर पानी कुछ नहीं था, लेकिन जब आपने हाथ ऊपर किया तो आस्तीन सारी गीली थी और सारा पानी टपक रहा था। उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया ने उसकी कश्ती पता नहीं कब डूबी थी, ये नहीं कि उस वक्त डूबी है, नहीं, कब की डूबी हुई थी, लेकिन उसने पुकारा अब, कश्ती कब की डूबी हुई थी और अब उसने पुकारा। अब पीर साहब को पुकारा और पीर साहब उसकी मदद न करें तो फिर आम आदमी में और पीर में फर्क क्या रहेगा? तो उसने जैसे मदद के लिए पुकारा, पीर साहब ने ऐसे हाथ डाला कश्ती को हाथ से, वो चूंकि पानी में डूबी हुई थी तो आस्तीन भी सारी पानी में डूब गई, सारी गीली हो गई और फिर कश्ती को बाहर निकाला। अब ये जो कहानी घड़ी गई, ये सारी कहानी इसी इस्तेआनत के गलत अकीदे की वजह से इन सारे मसलक वालों को मुशरिक बना रहे हैं, जो भी ऐसा की दे रहा हमें, क्योंकि ये खासा सिर्फ अल्लाह का था कि बगैर किसी सबब के, बगैर किसी जरिए के वो सुने भी और फिर इसमें इतनी खराबियां हैं। पहली बात तो ये है, आप जब ये गैरुल्लाह से इस्तेआनत चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो उस वक्त एक तो अकीदा आपको ये खराब करना पड़ता है कि मैं जिससे मदद मांग रहा हूं वो मेरी बात को सुन रहा है, चाहे वो फौत भी हो गया हो। इसी से लोगों ने निकाला ना कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे सुनते हैं, ये अकीदा इसी से निकला। फिर ये अकीदा आप रखेंगे कि उसने मेरी दरख्वास्त को सुन लिया या सुन रहा है। दूसरा अकीदा आपका यह खराब होगा कि वो मेरी मदद करने पर भी कादिर है, मरने के बाद भी मेरी मदद और नुसरत करने पर भी कादिर है, और तीसरी बात कि मैं उससे जो भी सवाल करूंगा मेरी मदद से वो ओझल नहीं है, वो खुद देख रहा है, कुदरत रखता है, ताकत रखता है, खुद सुन रहा है और अमल दरामद की सलाहियत रखता है। ये सारी खराबियां सिर्फ एक लफ्ज इस्तेआनत से आपके दिलो दिमाग में आपके अंदर आ गई। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने अंबिया का एक तवील सिलसिला चलाया, बड़ा तवील सिलसिला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अगर आप आखिरी रसूल न होते तो अब अंबिया का सिलसिला अब तक जारी होता। अब चूंकि आप आखिरी रसूल हैं, अब अल्लाह ताला वो काम अब इस दौर में उलमा से ले रहा है, अल उलमा वारसतुल अंबिया, वो तबलीग का, वो फरोग दीन का काम
شرک کے رد کا کام اللہ تعالیٰ اب وہ کام علماء حق سے لے رہا ہے, لیکن علماء سو بھی اپنا کام کر رہے ہیں, شیطان بھی اپنی محنت کر رہا ہے, سارے اپنی اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا سلسلہ بھیجا اس پوری کڑی میں آپ دیکھیں جو بنیادی نقطہ ہے, جو بنیادی محور ہے, وہ بنیادی محور توحید ہے, اور اس بنیادی نقطے کو جو توحید ہے بنیادی محور, کوئی بھی پیغمبر اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا, یہ مرکزی نقطہ سب کے ہاں ایک رہا, ایک ہی رہا. جیسے پرکار کے دو سرے ہوتے ہیں نا, ایک سوئی والا اور ایک پینسل والا. سوئی والا سرا تو ایک مرکز پہ پیپر میں کھبو دیا جاتا ہے, اور پینسل والا اس سے دائرہ بنایا جاتا ہے, پھر مرکزی نقطہ وہی رہتا ہے. یہ دائرہ آپ کو چھوٹا کرنا ہے تو تنگ کر دے پینسل والے حصے کو, بڑا کرنا ہے تو آپ تھوڑا اور کھول دیں, اور بڑا کرنا ہے تھوڑا اور کھول دیں. وہ شریعت کا دائرہ چھوٹا بڑا ہوتا رہا ہر پیغمبر کے دور میں, لیکن توحید کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ ہر پیغمبر کے دور میں ایک ہی رہا, کبھی بھی کسی پیغمبر کے دور میں شرک جائز نہیں رہا, شرک ہمیشہ شرک ہی رہا اور ہمیشہ حرام رہا. کسی بھی پیغمبر کے دور میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی اجازت نہیں دی, اور آج تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے, مبعوث ہوئے, انہوں نے زندگی میں جو اپنی امت کو تعلیم دی, اس تعلیم کو دیکھیں, اور ان کو جب بھی کوئی مشکل اور ضرورت پیش آئی انہوں نے کس سے استعانت حاصل کی, اس کو دیکھیں. ان دونوں چیزوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کو مسئلہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے اور مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے. اور قرآن مجید بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے, جب تم کسی مشکل میں گھر جاؤ, استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ سے تم مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نماز کے ذریعے رب العالمین سے کیسے مدد مانگی جائے گی؟ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول جب بھی مغموم ہوتے, جب بھی پریشان ہوتے, جب بھی کبھی دکھی ہوتے, آپ فرماتے یہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. آپ وضو فرماتے, مصلی بچھاتے, اللہ کے حضور نماز میں مشغول ہو جاتے. ان دکھوں کو رب العالمین کی جناب میں جب حاضری دیتے ان دکھوں کو بھول جاتے, اللہ رب العالمین بھی ان دکھوں کا مداوا کرتا. اللہ رب العالمین نے کئی موقعوں پر جب بھی کسی پیغمبر میں اللہ رب العالمین سے کسی بھی مشکل میں پھنس کر مدد مانگی, اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا, یہ بھی ایک مشکل تھی. حضرت حوا کو بھی جنت سے نکالا گیا, یہ بھی ایک مشکل تھی. جنت کی نعمتوں کے مزے کرنے والے دنیا میں اتر آئے, یہاں تو سب کمانا پڑتا ہے پھر کھانے کو ملتا ہے, مفت میں کچھ نہیں ملتا, محنت کرنی پڑتی ہے. جنت والے سارے کے سارے مزے ختم ہو گئے, حوا اور آدم بھی آپس میں جدا ہو گئے. بڑی مشکل ہے اتنی بڑی دنیا کے اندر ایک اکیلا انسان کیسے زندگی گزارے. 120 گز کے مکان میں بھی اگر بالکل اکیلا بندہ زندگی گزارے تو اس کا بھی دل نہیں لگتا. اتنی بڑی کائنات میں پوری دنیا میں ایک اکیلا انسان ہے اور کوئی بھی ساتھی نہیں ہے. ایک وفادار بیوی تھی, اللہ نے وہ بھی جدا کر دی. آخر انہیں سمجھ میں آیا
यार लोग जो गैर अल्लाह से इस्तेआनत के आदि है वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने अल्लाह तबारक व तआला से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगी। हालांकि कुरान कहता है फतलका आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह से कुछ कलमे सीखे, उन कलमों पर तौबा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा कबूल की। वो कलमे क्या थे? कुरान दूसरे मकाम पे कहता है रब्बाना ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। اے ہمارے رب، اے ہمارے داتا، اے ہمارے پالنہار، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر ہماری خطا کو، ہماری بھول کو تو نے معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، ہماری کشتی بیچ منجدار کے پھنس جائے گی، کبھی بھی کنارے نہیں لگ سکتی جب تک کہ تو معاف نہ کرے۔ ایک پیغمبر نے اللہ سے معافی بھی مانگی اور دنیا کو یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ رب سے مدد کیسے مانگتے ہیں۔ اسی میدان عرفات میں آج جہاں حاجی جا کر رو رو کر رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے اور رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے شیطان بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے، حاجی میدان عرفات میں ہاتھ اٹھاتا ہے، آنسوؤں کی برسات میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی، 80 سال گزار دیے، 85 سال، 90 سال گزار دیے، کبھی بھی مسجد میں نہیں آیا، آج اللہ کے گھر میں، آج میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان میدان عرفات سے مٹی اٹھاتا ہے، سر میں ڈالتا ہے، غریباں پھاڑتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، کہتا ہے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکا ہوتا، میں نے اس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے 80 سال اس پر محنت کی، 85 سال اس پر محنت کی، 70 سال اس پر محنت کی، آج میدان عرفات میں پہنچ کر اس کا ایک جملہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ نے میری 80 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن معافی مانگنے کا سلیقہ چاہیے، وہ سلیقہ چاہیے اللہ کے آگے گر گرا۔ اب آپ دیکھیں میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت تیار کر کے گئے ہیں، 13 سال آپ کے مکے کے اور 1 سال یا 1.5 سال لا لیجئے یہ مدینے کا، یہ تقریباً 14.5 سال کی محنت کے بعد 313 مخلص خالص ایمان والی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال میں 313 لوگ تیار کیے۔ اب یہ میدان بدر میں آئے کھڑے ہیں، تلواریں ان کے پاس نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو تلوار کا دستہ نہیں ہے، اس کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں، کپڑے پرانے وہ لپیٹے ہوئے ہیں تاکہ لوہا ہاتھ کو نہ لگے، کسی کے پاس کھجور کی چھڑیاں ہیں، پتے چھیل کے جو بیچ کا جو ڈنڈا بچتا ہے وہ لیے ہوئے ہیں، کوئی پیدل ہے، کسی کے پاس تھوڑی بہت سواری ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کسی کے پاس ستو ہے، کسی کے پاس تھوڑی کھجوریں ہیں، کسی کے پاس کچھ مشکیزیں پانی کے ہیں، بڑی قسم برسی کی حالت ہے۔ اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر،
काफरों का, सबके पास ऊंट भी है, घोड़े भी हैं, खच्चर भी हैं, राशन वाफिर मिकदार में है, तलवारें हर किसी के पास, ढालें हर किसी के पास, और वो देख रहे हैं कि ये तो मुसलमान इतने थोड़े से हैं, और मुसलमान भी देख रहे हैं ये काफिर इतने ज्यादा हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नजर आ रहा है। अब देखिए अल्लाह के रसूल ने इस्तेआनत का क्या सलीका इख्तियार किया, क्या सलीका इख्तियार किया। सबसे पहले अल्लाह के हुजूर सज्दा रेज, और सज्दा रेज होकर जो अल्लाह से दुआएं की, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, उसमें बड़े मान से एक जुमला ये भी कहा कि अरे अल्लाह अगर आज तूने इनकी मदद ना की, ये जो मैं मुट्ठी भर जवाब लाया हूं जो 14.5 साल की मेहनत के बाद, अगर आज तूने इनकी मदद ना की और ये सारे आज मैदान में मारे गए, तो फिर याद रख ले कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि आपको बता दिया गया था कि आप आखिरी पैगंबर हैं, आप आखिरी पैगंबर हैं। अगर वो सारे के सारे यही काम आ जाते हैं तो आपके बाद पैगंबर तो किसी ने आना नहीं, तो अल्लाह का तारुफ करवाएगा कौन? जो कराने वाले हैं वो तो यही मारे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के लश्कर उतारे, फरमाया अंजल जुनूद लम तरौहा। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे लश्कर उतारे फरिश्तों के, लम तरौहा, जिन्हें देखने से तुम्हारी नजरें कासिर थी। कुफार को रब्बुल आलमीन वो लश्कर दिखा रहा था, मुसलमान नहीं देख रहे थे। कुफार देखते हैं कि यार मुसलमानों की तादाद तो इतना बढ़ गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने सजदे में गिरकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तेआनत चाही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी वो मदद अदा कर दी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जा पहुंचे, और कुरान कहता है कि वहां से कोई भी उनकी आवाज सुनने वाला नहीं, कोई आवाज सुनने वाला नहीं मछली के पेट में। अल्लाह का कुरान कहता है फनादा फिज़ुलुमात, अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन को पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गलती कर बैठा लेकिन तू पाक है। इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं अपने ऊपर ज़ियादतियां कर बैठा, ए इलाहुल आलमीन आज तेरे सिवा मेरी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं। तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा, समंदर की गहराई का अंधेरा, शिका में माही का अंधेरा, रात की सियाही का अंधेरा, तीनों अंधेरों में यूनुस के लबों पर किसका नाम आया? कराची वालों किसका नाम आया? अल्लाह का कुरान कहता है लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून। अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, अगर यूनुस अपनी मुश्किल में हमें ना पुकारता, ललबिसा फी बतनिही क़यामत तक मछली के पेट में रहते, इला यौमि युबअसून उठाए जाने वाले दिन तक हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। यहाँ तो खुतबा देते पीर साहब हाथ नीचे करके कश्ती बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन पीर साहब ने मछली बाहर नहीं निकाली। हालांकि मछली जो जिस मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निवाला बनाया था, मछली भी ऐसी थी कि मेरे ख्याल है पूरी रहमानिया मस्जिद भी खाती तो खत्म नहीं होती, कितनी बड़ी मछली, पूरा इंसान जिंदा सलामत उसके अंदर चला। लेकिन इस्तेआनत का एक तरीका जो अंबिया ने हमें सिखाया, अंबिया ने हमें बताया, नूह अलैहिस्सलाम को देखी अपना बेटा, पीर साहब तो कई साल डूबी हुई बुढ़िया को बाहर निकाल रहे ना, नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा
अपनी आंखों के सामने उसी वक्त डूबा, कई सौ साल पुरानी बात भी नहीं, उसी वक्त डूबा। और डूबने के बाद अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरा तो वादा था मैं तेरी अहल को बचाऊंगा, ये तो मेरा सगा बेटा था, मेरा खून था, तो तेरा वादा कहां गया कि तू मेरी अहल को बचाएगा, और तूने नहीं बचाया। अल्लाह ने बड़ी सख्त बात, अल्लाह ने एक बात तो ये किया है, नू खबरदार आज के बाद इसे अपना बेटा नहीं कहेगा, इन्नहु लैस मिन अहलिक, ये तेरी अहल से नहीं है, हमारे यहाँ रिश्ते खून से नहीं ईमान से देखे जाते हैं, हमारे यहाँ रिश्ते खून से नहीं ईमान से देखे जाते हैं। तू मुवाहिद है, पैगंबर है, तौहीद की दावत देने वाला, और वो बिल्कुल तौहीद का मुनकर है, तौहीद का इनकारी है, कुफर की दावत देने वाला, तुम्हारा उससे क्या मिला, क्या नस्बत, ये तो नहीं हो सकता। और फिर फरमाया, खबरदार आज के बाद इन्नी आएजुका अंतकून मिनल जाहिलीन, मुझसे अगर आज के बाद फिर कभी सवाल किया जिसका तुझे इल्म नहीं है, तो मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि मैं तुझे नबूवत से हटाकर जहालत के कटहरे में खड़ा कर दूंगा। कितनी बड़ी सख्त बात है जो अल्लाह ने की, अल्लाह ने की। लेकिन नूह अलैहि सलाम ने मदद कैसे मांगी, अल्लाह से मांगी। जब अल्लाह ने डांट दिया, पीछे हट गए उस बात से, बेटे को समझाने की हद्दुल मक़दूर कोशिश की, बेटे को समझाते रहे, बेटा कश्ती में आ जा, आज अल्लाह का अजाब आने वाला है, बड़ा पानी आने वाला है, ये सारा कुछ डूब जाने वाला है, नहीं बचेगा तू। और उसने कहा कि अब्बा, आप मुझे इन चीजों से डराते हो, बारिश आएगी, पर कितना बारिश आएगी, कितना बारिश आएगी, चलो एक मकान की छत इतना आ जाएगी, ये जो जूदी पहाड़ है इतना ऊंचा, जैसे आपके पाकिस्तान में को हबाली है जो चोटी ऊंचाई में बड़ी मशहूर है, वो जूदी पहाड़ है ना, उस पर चढ़ जाऊंगा, पानी कितना ऊंचा आएगा। यासिमुनी मिनल मा, अब ये देखिए असबाब, मुशरिक हमेशा असबाब पे तकिया करता है, बेटा क्योंकि मुशरिक है, बेटा ये कहता है, अब्बा आप मुझे डरा रहे हो पहाड़ से, ए पानी से, पानी जब आएगा ना मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, या से मुनि मिलन मा, ये पहाड़ मुझे पानी से बचा जाए, ये मुशरिक के अल्फाज। और पैगंबर जो मुवाहिद है, उस मुशरिक का बाप भी है, उस पैगंबर के अल्फाज ये हैं, ला आसिम अल्यौम मिन अम्रिल्लाह, बेटा ये तेरी भूल है, गलत फहमी है, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं है, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। लिहाजा इस रियायत जब भी मांगी जाए उसी से मांगी जाए जो कादिर है, कदीर है, उसके पास ताकत है, पावर है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता, इजाजत भी नहीं लेनी पड़ती, वो मर्जी का मालिक है, वो जो फैसला आपके बारे में करेगा वही होगा, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ अक्सर पढ़ा करते थे, اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت اين العالمين جسے تو روک دے نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی اور اگر تو نہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی اور اگر تو دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے محروم نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے رسول ایک عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کو امت کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ سے جب بھی مانگنا ہے اس یقین سے مانگنا ہے کہ جو کچھ ملے گا تجھ سے ملے گا، تیرے در کے سوا کوئی در ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ دے سکے۔ لوگ تو ساری دنیا میں یقین مانیے، جن جن کو بھی لوگ کرنے والا، کرنی والا اور پاور والا سمجھتے ہیں ان کا تو یہ حال ہے،
मुरीदनी ने सेवियां पकाई और सेवियां आगे रख दी। पंजाब में सेवियां बनती हैं, वैसे कच्ची होती हैं, बना के रख देते, सूखी होती हैं। और जब कोई मेहमान अचानक आ जाए, ये फास्ट फूड आइटम ये कहलाता है, उसको पानी में बॉयल करते हैं, बस पानी से बॉयल करके निकाला, बिल्कुल सफेद सफेद होती है, ब्राउन में नहीं होती, सफेद आटे की शक्ल की। और वो प्लेट में रखी, ऊपर देसी घी डालते हैं, फिर ऊपर शक्कर डालते हैं, फिर वो मेहमान उसको चम्मच से उसको इस्तेमाल करता है, खाता है। मुरीदनी ने क्या किया कि सेवियां जो उबाली, पहले प्लेट में शक्कर रख दी, फिर देसी घी डाल दिया, ऊपर वो आटे वाली कच्ची सेवियां जो हैं वो डाला, पीर के आगे रख दी। पीर गुस्से से लाल सुर्ख हो गया, ये कैसे बेअदब गुस्ताख मुरीदनी है, ये ऐसे पीर को कच्चा आटा ऐसा खिलाएंगे क्या? वो जरा तौहीद वाली थी। उसने अपने मियां से कहा, देख मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया था, तू इसको सब कुछ करने वाला समझता है, और हालत इसकी ये है कि जो प्लेट मैंने इसके आगे रखी है, सेवियां ऊपर है, शक्कर नीचे है, इसको नजर नहीं आ रही, शक्कर नीचे है, देसी घी नीचे, ऊपर सेवियां है, मैंने शक्कर ऊपर नहीं डाली, ताकि देखूं कि इसे पता चलता है कि नहीं चलता, और ये सेवियों के नीचे शक्कर को नहीं देख सका, और जब ये मर जाएगा, कब्र के अंदर चला जाएगा, मनु मन मट्टी के अंदर, फिर इनका अकीदा होगा सारी दुनिया को देखता है। प्लेट में सेवियों के नीचे नजर नहीं आता, और मनु मन मट्टी के नीचे जब चला जाए, फिर सारी दुनिया को देखता है। अजीब लोगों के अकीदे। एक साहब मुझे कहने लगे कि भाई ये जो मरने वाले होते हैं ना, तुम क्या बात करते हो, ये तो इतनी इनकी नजर तेज होती है, कब्र के ऊपर अगर चिड़ा और चिड़िया, यानी नर और मादा, एक चिड़ा होता है, एक चिड़िया होती है, चिड़ी जिसे कहते हैं, ये नर मादा अगर कब्र के ऊपर आके बैठे तो मुर्दे को पता होता है चिड़िया कौन सी है और चिड़ा कौन सा, यानी वो नर मादे के फर्क। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, फिर तो कब्रिस्तान हमें जाने ही नहीं चाहिए। बोले क्यों? मैंने क्या, जब मुर्दे की नजर इतनी तेज हुई पड़ी है, वो चिड़ी चिड़े के फर्क को भी देख लेता है मनु मन मट्टी के अंदर से। तू जब कब्र पे जाएगा तो जो कपड़े तूने पहने हुए हैं, जो एक सूत भी मोटे नहीं है, इतने बारीक कपड़े, उसकी नजर को ये रोकेंगे? हमें तो कब्रिस्तान जाने ही नहीं चाहिए। कहने लगे तौबा तौबा तौबा, तेरा तो तेरी तो ज़हनियत गंदी है। मैंने कहा मेरी ज़हनियत गंदी नहीं है, तेरा अकीदा गंदा है, तेरा अकीदा गंदा है। जब तक ये इस्तेआन ले गैर अल्लाह का मामला रहेगा, शिर्क कभी नहीं निकलेगा। शिर्क को निकालने के लिए जरूरी है इस्तेआनत बिल्लाह तक, आप इसे ले आए, नुसरत अल्लाह करता है, ताईद अल्लाह करता है, मदद अल्लाह करता है, उसके सिवा कोई कुछ नहीं करता। बल्कि कुरान ने कहा मा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, ऐ दुनिया वालों तुम जो कुछ भी चाहो, तुम्हारे चाहने कुछ नहीं होता, वही होता है जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है, जब चाहत उसकी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तशरीफ फरमा है और बच्चियां कुछ तराने गा रही हैं, हिजरत के बाद की बात, तराने गाते गाते उन बच्चियों ने एक शेर एक मिसरा उसमें ये भी पढ़ा कि फीना नबी जुन, हमारे अंदर एक ऐसा नबी है, या रब माफी गदिन, कि वो आने वाले कल की बात भी जानता है। हमारे अंदर एक ऐसा नबी है जो आने वाले कल की बात जानता है। नबी करीम सल्लम ने फौरन टोका, हालांकि ये तो आपकी तारीफ थी ना, लेकिन नबी अपनी तारीफ भी मुबालगे के साथ नहीं सुन सकता। आपने उसे टोका और कहा कि ये न कहो कि हमारे अंदर एक नबी है जो आने वाले कल की बात जानता है, वो जो पहले अक्षर पढ़ रही थी वही पढ़ो, ये जुमला निकाल दो उसमें से। अल्लाह के रसूल ने इसे पसंद नहीं फरमाया, बिल्कुल पसंद नहीं फरमाया। मेरे भाई, ये जितनी भी तारीफ पर मबनी मुबालगे हैं,
ये हमें शिर्क की तरफ ले जाते हैं। एक अल्लाह की तौहीद जब तक किसी मुसलमान के दिल में रासिक नहीं होगी, पुख्ता नहीं होगी, तब तक यकीन मानिए जन्नत का दरवाजा खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसलिए कि कोई मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा, कोई काफिर जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, गुनाहगार है, अल्लाह उसे माफ करेगा इंशाअल्लाह। अगर उसकी तौहीद पुख्ता है, अल्लाह माफ करेगा, माफी के बाद वो भी जन्नत में जाएगा। और अगर अल्लाह कोई थोड़ी बहुत सजा देना चाहेगा, अल्लाह की अपनी मर्जी है, उससे कौन पूछ सकता है, तो वो सजा देने के बाद फिर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में डाल देगा, फिर भी वो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन अगर वो शिर्क करता है, अगर वो शिर्क करता है, ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे, लेकिन मुशरिक को अल्लाह ताला बिल्कुल माफ नहीं करेगा, बिल्कुल माफ नहीं करेगा। और जब भी जिस मौके पर जहां भी अल्लाह ताला से, जैसे मुस्लिम शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है, मैं सिर्फ इशारे से बात करूंगा क्योंकि वक्त भी पूरा हो रहा है। वो मशहूर हदीस है कि तीन बंदे दोस्त थे, बारिश के डर से एक गार में घुसे, ऊपर से कुछ चट्टान लुढ़की और आकर के गार के मुंह पे बंद हो गए। अब उन बाहर जाने वाले नहीं, निकल नहीं सकते। तीनों मिलकर धक्का देते, चट्टान हिलती नहीं, इतनी वजनी, वहां कोई बंदा भी नहीं है, आवाज उनकी बाहर नहीं जा रही, बाहर की आवाज अंदर नहीं आ रही, करेंट नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए अल्लाह से इस्तियानत का रंग देखिए कैसे आया। वो तीनों आपस में मशवरा करते हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं करते, हम तीनों में से जिस में भी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी अल्लाह की रजा के लिए कोई काम किया, आज अल्लाह ताला के आगे वो काम रखो, और फिर वो काम रखने के बाद अल्लाह ताला से कहो अगर तेरी जनाब में मेरी ये नेकी कबूल है तो उसके सिले में इस पत्थर को हटा दे, हमें इस मुसीबत से निकाल। चुनाचे तीनों ने अपनी तीन नेकियां, और हर किसी की नेकी के बाद वो पत्थर सरकता रहा, पत्थर सरकता रहा, और जब तीसरे ने अपनी नेकी रखी, अल्लाह ताला ने पूरा पत्थर हटा दिया। यानी उस सिर्फ दुआ ने, अल्लाह से मदद मांगने ने करेन का काम किया। कोई उसमें तेल नहीं लगा, पेट्रोल नहीं लगा, कोई ड्राइवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ दुआ से अल्लाह ताला ने उस चट्टान को हटाया। तो अल्लाह ताला से इस्तियानत अगर बंदा करता है तो वो इस्तियानत रंग लाती है, वो इस्तियानत रंग लाती है, और ऐसा रंग लाती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह निजात देता है हर मुसीबत से, हर परेशानी से। ये बात दिलो दिमाग में बिठा लो कि मुश्किल कुशा सिर्फ वही होता है जिस पर खुद कभी मुश्किल ना आए, हाजत रवा वही होता है जिस पर खुद कभी जिंदगी में हाजत ना आए। सारी दुनिया को मीठी नींद वही सुलाता है जो खुद कभी सोता ना हो, सारी दुनिया को वही खिलाता और पिलाता है और पेट भर के जो खुद कभी खाता और पीता ना हो, सारी दुनिया को औलादें वही देता है जिसकी अपनी औलाद ना हो। जो खुद औलाद वाले हैं वो तो जरूरतमंद होते हैं। अब कोई कहेगा या अल्लाह मेरा बच्चा बीमार है, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कहेगा मेरे भी चार बच्चे बीमार हैं, वो आपको क्या तवज्जो देगा। अल्लाह ने अपने आप को हर जरूरत से पाक रखा, कोई भी जरूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं, हर जरूरत से पाक। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है का मतलब यही है कि उसे किसी की परवाह नहीं है, सारी दुनिया को उसकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। बल्कि कोई नबी भी, कोई वली भी अल्लाह के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना कही है। और अल्लाह ने इतना सब जुमला कहा, फरमाया लौ तक़ब्बल अलैना बादल लकावील,
अगर हमारा पैगंबर हमारे बारे में ऐसी बात कह दे जो हमने न कही हो और पैगंबर कहे कि अल्लाह कहता है सुम्मला खजना मिनहु बिलयमीन, हम पैगंबर को दाएं से पकड़ लें। सुम्मला कताना मिनहु अलवतीन, फिर पैगंबर की रगे हयात काट डाले। फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन, तुम में से कोई भी हमसे पूछने वाला नहीं, कोई झगड़ने वाला नहीं कि तूने पैगंबर को ज़िबा क्यों किया। ये अल्लाह की पावर है। इन बच्च रब्बी के लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब उसकी पकड़ सख्त है, उसकी ताकत कुव्वत सब कुछ का खजानों का मालिक हुई है। लिहाजा अपना तवक्कल अपना भरोसा कुरान मजीद में आता है, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। ऐ दुनिया वालों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम पर गलबा नहीं पा सकती। अगर अल्लाह तुम्हारी नुसरत करने पर आए, अल्लाह तुम्हारी मदद करने पर आए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती। वहीं यकुदुलकुम फमन जल्लदी यंसुरकुम मिन बादिही, और अगर वो तुम्हें शिकस्त दे दे, वो तुम्हें जलील कर दे, वो तुम्हें रुसवा कर दे, वो तुम्हें कमजोर कर दे, तो फिर फरमाया कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ईमान वाले तवक्कल और भरोसा करते हैं। लिहाजा अल्लाह पर भरोसा कीजिए, उसी से मांगने की आदत डालिए। छोटे से छोटा काम भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए ना, वो भी अल्लाह से मांगना। यानी ये मिसाल देकर आपने ये बताया कि हर छोटी बड़ी चीज अल्लाह से मांगना, फिर ये उसके ऊपर छोड़ दो कि वो इसका सबब क्या बनाता है। किसी के जरिए तस्मा भिजवाता है, किसी के जरिए कुछ करवाता है, वो उसके छोड़ो, आप उससे मांगो कि या अल्लाह मेरा ये मसला है, ये कर। आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए वो सारे बंद दरवाजे अल्लाह ने कैसे खोल दिए। अब यूसुफ जुलेखा के सामने खड़े हैं, कमरे बंद है। अब कोई वहम गुमान में था कि ये दरवाजे कैसे खुलेंगे। अब जाहिर बात है कमरे बंद है, दरवाजे बंद है, कुंडियां ताले लगे हुए हैं। अब अगर बंदा भागे भी और पीछे वाला पकड़ने के लिए भाग रहा हो और मैं आगे कुंडी पे जाके अटक जाऊं, तो जाहिर बात है पकड़ा जाऊंगा। वहम गुमान में भी नहीं, लेकिन वहां खड़े होकर वसीला कोई नहीं, सबब कोई नहीं, जरिया कोई नहीं, जहरी असबाब कोई नजर नहीं आ रहे, अल्लाह से कहा या अल्लाह, ये जिस गंदगी और गिलाजत की ये मुझे दावत देते हैं, तू मुझे इनसे महफूज कर ले। बस अल्लाह से इतना कहा। अल्लाह ने कहा यूसुफ तूने हमें पुकारा ना, बस अब ये ना देख ताले लगे हैं या कुंडियां लगी हैं, यहां से भागना तेरा काम और ये सारे बंद दरवाजे खोलना मेरा काम। और अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया, तो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने कैसे आपके सारे उलझी गुथियां अल्लाह ने कैसे सुलझा दिया। बस सिर्फ आप उससे मांगने वाले बनो, उससे रोने वाले बनो। जाहिर बात है दुनिया में मशहूर है कि सगी माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए नहीं, तो आप अल्लाह के आगे थोड़ा सा रो दिया कीजिए। चलो हर रोज नहीं तो अतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन कभी एक वक्त बना ले कि अल्लाह के आगे कभी रो दिया करे और बातें कर लिया करे, दरखास्त कर लिया करे, अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूँ और तेरे नबी ने कहा, तेरे कुरान ने कहा कि कोई भी जरूरत हो उससे मांगो। अल्लाह हम तो तुझसे मांग रहे हैं, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे आपकी मदद करता है, कैसे आपके सारे बिगड़े काम संवारता है। आपको किसी की हाजत और जरूरत ही नहीं रहेगी, आप बिल्कुल अपनी जरूरतों में अल्लाह के फजल से खुद कफील हो जाएंगे। आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो किसी साथी के जहन में तो 10 मिनट है।
क्या ये बात सही है कि आप जवानी में आखिरी सजदे के बाद फौरन दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाते थे और आखिरी सालों में तबीयत खराब, ये रायवंड की रिवायत है, हदीसों में ऐसा नहीं है। हदीसों में तो ये है कि आप जब भी दूसरी रकत के लिए खड़े होते तो आप पहले जलसा इस्तराहत करते, आप बैठते जलसा इस्तराहत करते आराम से बैठकर, हत्ता कि ये भी हदीस में आता है कि हर हड्डी अपने असली मकाम पर आ जाती, यानी इतना सीधा बैठते हर हड्डी अपने असली मकाम पर आ जाती और उसके बाद फिर आप दूसरी रकत के लिए खड़े होते। ये इसी तरह लोगों ने बनाया हुआ है, जैसे जी आप खड़े होते तो आप जमीन का टेका लगाते इसलिए कि आप बूढ़े हो गए। साहबा कहते हैं कि आपकी वफात के वक्त भी आपकी दाढ़ी में चंद बाल सफेद थे जो हम गिन लिया करते थे, यानी उस वक्त भी 63 साल की उम्र में भी चंद बाल दाढ़ी में सफेद थे जो साहबा गिन लेते थे कि कितने बाल सफेद थे। तो वो इतना बूढ़े हो गए थे कि आप तो फटाफट खड़े हो जाते हैं घुटने पे हाथ रख के, और आप इतने बूढ़े हो गए थे कि जमीन का टेका लगा के उठते थे। आप चाहे जवान थे चाहे, यानी आपको नबूवत मिली 40 साल में, हमारे यहाँ तो 40 साल का बूढ़ा कहलाता है, 40 साल में हमारे यहाँ बूढ़े हो जाते हैं, मुंह सफेद हो जाते हैं। तो आप 63 साल की उम्र तक पहुंचे, सारी जिंदगी आप इसी तरह सज्जा जब करते पहले हाथ जमीन पे टिकाते और जब उठने लगते तो आप जमीन का टेका लगाकर पहले घुटने खड़े करते और फिर आप खड़े होते, इसी तरह रकत दूसरी रकत के लिए खड़े होते, सज्जे से फारिग होते सीधे बैठते। ये नमाज का सलीका है, ये बुढ़ापा नहीं है, ये नमाज का सलीका है, इस तरह पढ़ी जाए। ये सिर्फ हनफियों ने अपने इमाम की बात सच्ची साबित करने के लिए मसला घड़ा हुआ। और है किसी ने सवाल करना हो, कोई और सवाल कर सकते हैं, ऐसे पूछ लें, 10 मिनट 5 मिनट अभी रह गए, ऐसे पूछ लें। हाँ पूछे जी जी जी, कह रहे सुतेली सास से पर्दा होगा या नहीं? सुतेली सास क्या सही है? तो सास होती है, सुतेली सास तो मैंने पहली दफा सुना। सुतेली माँ तो होती है लेकिन सुतेली सास क्या होती है वो बताओ आप, बताए जी पूछने बताए, वहीं से बताएं, वहीं से बताएं, कोई हाल नहीं। और कोई साथी कौन? देखिए चावल आपको नमाज के बाद ही मिलेंगे चाहे आप सवाल करें या न करें। शेख मतलब ये कह रहे हैं वो एक आदमी की 4 बीवियां हैं। वो बंदा तो दिखाओ मुझे। तो एक बीवी से जो औलाद है बेटी है उसका निकाह जिस लड़के से किया है तो वो लड़का जो दामाद है वो बाकी 3 जो उसकी सास हुई, बाप इनका एक है ना? हाँ बाप एक ही है ना? जी बाप एक है। वो बीवियां सास बन रही हैं? जी वो 4-3 बाकिया 3 जो बीवी तो वो कैसे सास बनेगी? यानी उनके बेटों ने आपस में शादी की? ना ना ना। हाँ हाँ एक बीवी उससे जो बेटी थी उसका निकाह कहीं किया तो बाकी जो 3 माएं हैं उसकी वो भी सास ही कहलाएंगी ना दामाद की? वो ऐसे रिश्ते में कह जैसे नानी परदादी के बाद फिर उसकी बहनें फिर उसकी कजनें वो सारे। अब हमारे घरवाली के जो मामू हैं हम उसे मामू ससुर कहते हैं, कोई चाचा ससुर है कोई मामू ससुर, ये रिश्ता नहीं होता, असल रिश्ता ससुर है या सास है। ये मामू ससुर चाचा ससुर ताया ससुर ये बस ऐसे रिश्ते हैं। वो खूनी रिश्ते से जो पर्दे बनेंगे बनेंगे, मसाहरत से जहाँ सिर्फ सास और ससुर का बनेंगे, बाकी उसकी बहनें नहीं बनेंगी, बाकी 3 बीवियां उसकी सास ही कहलाएंगे ना उस दामाद। देखिए हमारे माशरे में कहलाना एक अलग चीज है, होना अलग चीज है। आप राह चलते हर किसी को बहन कह देते हैं,
लेकिन होती नहीं है। कल को आप उससे शादी भी कर सकते हैं। फिर वो बोले परसों तो मुझे बहन कह रहे थे, आज दुल्हन बना के ले जा रहे। तो ऐसा नहीं होता है। मुआशरे के अंदर जो सकाफत है ये एक अलग चीज है, इस्लाम के जो रिश्ते और पाबंदी है वो बिल्कुल अलग चीज है। अस्सलातु खैरु मिनन नौम जो है वो आप अलैहिस्सलाम के दौर में कहा जाता था या उमर के दौर में? लोग कहते हैं कि ये शीयों ने ऐसे बनाया हुआ है कि हजरत उमर के दौर। अबू दाऊद में रिवायत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत बिलाल को अजान सिखाई उसमें फजर के कलिमात में, अबू दाऊद के अंदर अल्फाज हैं कि आपने अजान के कलिमात में अस्सलातु खैरु मिनन नौम सिखलाए और वो अजान देते थे, कहते थे। ये हाँ, ये असल में बात जो वो कहते हैं जो बुरी लगती है उनको, कि अजान पे दो सहाबा ने ख्वाब देखे थे। जब आपने मशवरा किया था कि हमें नमाज पे बुलाने का क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, किसी ने कहा ढोल बजाना चाहिए, किसी ने कहा वो जो हिरन का सींग होता है तो वो आजकल मलंग बजाते हैं उसको फूंक मार के, वो नाकूस वो बजाना चाहिए। तो फिर अल्लाह के रसूल ने उसे पसंद नहीं किया। फिर एक सहाबी और थे, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, और एक हजरत उमर थे। दोनों ने एक ही तरह का ख्वाब देखा और दोनों सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि यार रसूलुल्लाह हमने रात ख्वाब देखा, एक बंदा इस तरह मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ। और वो उनको पूरे वो अल्फाज कलिमात पूरे याद थे कि इस तरह अल्लाह अकबर कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है ये शाद कलमे, और इस तरह वो क्योंकि रात का ख्वाब देख रहे फजर में, तो उसमें ये है कि अस्सलातु खैरु मिनन अल्फाज भी उसके अंदर है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से, यानी उस ख्वाब को आपने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से है। फिर आपने फरमाया कि इसे बिलाल को सिखा दो ये कलिमात, उन्होंने हजरत बिलाल को याद करा दिए, वही एक आजान जो है वो मसनून हो गई। तो इतना कसूर है ख्वाब देखने का हजरत उमर का, और पास तो उसे अल्लाह के रसूल ने किया। जब अल्लाह के रसूल ने पास कर दिया तो अब हजरत उमर की बात खत्म हो गई। हजरत उमर की फिर चलो अगर लम्हे भर के लिए अगर मान भी ले तो हजरत उमर से चलो ये अल्फाज साबित हैं, लेकिन जो अल्फाज तुम कहते हो ये तो हजरत अली ने भी कभी नहीं कहे। जो अजान में तुम्हारे अल्फाज हैं अली वलीउल्लाह के और हय्या अला खैर अल अमल के, ये हजरत अली ने भी कहीं ये नहीं सिखला। वो कहते हैं ना छाज तो बोले छलनी क्यों बोले, जिसको खुद आजाद सुरात में वो क्यों बोले। तो ये गलत बात है। अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है, और अगर मेरी किताब लाइब्रेरी में सलातुन नबी के हसी मनाजर मौजूद हो तो उसमें भी ये मसला मैंने हवाले के साथ लिखा है। जी जी, डायरेक्ट मुझसे कर लो बेटा, टाइम बचेगा। अब वो फिर तर्जमा करेंगे, वहीं से पूछो ताकि सबको समझ आए। जी जी, देखिए सवाल ये है कि मिजान बैंक में जो लोग काम करते हैं उनकी दावत पे खाना खाना हलाल है या हराम है। देखिए बहरहाल मैं, मेरी एक किताब है जानेब हलाल के नाम से, 600 सफ़े पर मुश्तमिल है मेरी, वो आखिरी वही किताब है अभी तक जानेब हलाल, वो इस्लामी बैंकिंग पर ही है। ये किताब सुन्नत.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने, मेरा नुक्ता नजर, मेरी ताकीद यही है कि इस्लामिक बैंकिंग में तकरीबन 90% मामला हलाल है, 10% तकाफुल वाला कुछ ये जो उधार पे चीजें दे के कीमत बढ़ाने वाले कुछ मामलात ऐसे हैं जो नाजायज हैं। लेकिन उधार पे कीमत बढ़ाने को तो आपके खतीब साहब भी कहते हैं कि दुरुस्त है अगर उसी वक्त तय हो जाए तो, यानी वो अहले हदीस भी उस पे मुख्तलिफ फी है। बहरहाल अगर बंदा इतने पाए का तकवे वाला हो, बड़ा मोहतात हो अपनी जिंदगी में, तो फिर तो चलो वो मसला भी पूछे और एहतियात भी बरते। अगर मेरा अब्बा कस्टम में हो और मेरा मामू पुलिस में हो और कोई दूसरा वकील हो
और फिर मैं मसले पूछता फिरूं कि जी उसकी दावत खानी चाहिए उसकी नहीं, सारा हमारा सारा खानदान यही कमा रहा है तो मुझे वो एहतियात करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मेरी ताकीक में मिजान बैंक का 90% मामला दुरुस्त और सही है। चंद एक चीजें हैं जो उनकी इसलाह की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि दावत खाने में कोई कबाहत और अर्ज है। अगर आपको ना पसंद हो तो रहमानिया मस्जिद के प्रोग्राम में कभी देख खिलवा देना। हाँ ठीक है, करता रहे, बंदा थक जाता है, अल्लाह नहीं थकता। हाँ बार बार गुनाह कर फिर तौबा कर, अल्लाह नहीं थकता तौबा कबूल करने से। ठीक है, पूछे आप सवाल। एक मिनट जी, सजदा कैसे करेगा? हाँ हाँ ठीक है, माजूर है ना वो, बस ठीक है, माजूर है, माजूर के लिए इजाजत है। जी जी, क्यों क्यों कुनूत नाजला, कुनूत नाजला। हाँ अगर हालात ऐसे हो पढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं, कोई पाबंदी नहीं। हरम में कई दफा पढ़ी है, सुदैस ने पढ़ी नहीं, यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं करीब जैसे पढ़ाते हैं, ये उस वक्त पढ़ाते हैं जब आप नहीं होते, ये पहले देखते हैं वो आए कि नहीं, जब आप नहीं होते फिर ये पढ़ा देते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। तो सवाल जी जी, सुतरे की मिकदार, मिकदार से मुराद हाइट उसकी, यानी फासला, लंबाई नहीं फासला। हाँ इतनी होनी चाहिए कि आप आसानी से सज्दा कर सकें। फासला सुतरे का आपका इतना होना चाहिए कि आप आसानी से सज्दा कर सकें, कि आपका सर उस सुतरे में ना जा लगे, बस इतना हो कि आप उसके अंदर अंदर सज्दा कर सकें। क्योंकि हदीस में ये भी है ना कि कोई बंदा अगर नमाजी के आगे से गुजरे, उसके सूत्रा रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर वो सूत्रे के फिर भी अंदर से गुजरे तो आपने फरमाया उसे हाथ से रोको, तो हाथ से जब ही रोकेगा ना कि वो इतना हो कि उसका हाथ पहुंच जाए। अगर आपने सूत्रा यहाँ रखा हुआ है, जिसे मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, सूत्रा यहाँ पिलर के पास है, तो वो तो बंदा निकल के भाग भी जाएगा, मैं रोकने की नौबत ही नहीं आएगी, तो उससे भी जाहिर होता है कि इतना करीब हो कि बस उसका सज्दा आसानी से हो। किसकी? शोक की। नहीं देखो, अगर तो मसलन आपके कोई रिश्तेदार इंडिया से आए हैं, लाहौर से आए हैं, सक्कर से आए हैं, अब फौजगी भी आए हैं, अब उन्होंने जनाजा पढ़ते ही फौरन जाना भी नहीं है, जाहिर बात है बाद दफा करीबी रिश्तेदारियां ऐसे होती हैं, फिर इतनी दूर से आते हैं तो दो तीन दिन रोक के जाते हैं, तो वो खाना ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना कि भी अब शाम के खाने का टाइम हो गया, जाओ लखपति होटल पे खाना खा के आ गया। देखिए अगर सुबह भी आए हैं और शाम को गए हैं तो दोपहर की रोटी तो वो खाएंगे ना। सिर्फ मैयत वाले घर से आप नहीं खाएं, मैयत वालों को कुछ नहीं दावत करनी चाहिए। हाँ अगर कोई दूसरा रिश्तेदार या पड़ोसी
वो अगर उन मेहमानों के लिए भी और मैयत वालों के लिए भी, जो जाहिर बात है जिनके यहाँ फौजगी होती है वो भी बेचारे कुछ नहीं पकाते, गम में होते हैं, और खासकर जो बच्चे होते हैं घर के अंदर उनको तो इस चीज का पता ही नहीं होता, उनको तो रोटी भी चाहिए, हर चीज चाहिए, तो उनके लिए वो करना पड़ता है। अगर कोई भी नहीं देता ना, आस पास से कोई भी नहीं लाता, तो घर वाले पकाएं या होटल से खरीद के लाएं, मना नहीं है, लेकिन ये इलाके वालों के लिए बुरा है कि वो किसी के गम में शरीक ही नहीं हो रहे, और वो पहले सदमे से दो चार हैं, फिर कोई इतनी भी मदद नहीं कर रहा कि खाने के टाइम पे उनको वो बंदा खाना लाए और घर वालों को भी साथ बिठाए, क्योंकि हो सकता है वो रख के चला जाए तो वो ना खाए, उनको साथ बिठाए और साथ बिठाकर खुद भी खाए उनके साथ और उनको भी खिलाए। बुरा वो है कि मसलन मेरा घर इधर है, मैं यहीं रहता हूँ, आपके घर के बराबर में मेरा घर है, मैं जनाजे में आया और कब्रिस्तान भी चला गया दफन के बाद, अब आपने कहा आओ जी खाना खा के जाना, पूरी बस आके दरवाजे पर रुकती है, जो भी गई थी कब्रिस्तान बस वहां आके रुकेगी, फिर दस्तरखान लगेगा, फिर मेरा घर इधर है, मेरी क्या तुक बनती है कि मैं वहां बैठकर खाना खा रहा। ये तो उन लोगों के लिए था जो दूर दराज से आए हैं, जिनका यहाँ घर नहीं है और जिनका बंदोबस्त नहीं है, उनके लिए करें। बाकी सोग 3 दिन तक है, बेवा के लिए 4 महीने 10 दिन, आम आदमी के लिए 3 दिन, लेकिन उस सोग का ये मतलब हरगिज नहीं है पथारा लगा के टेंट लगा के 3 दिन तक आप इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकते, बिल्कुल आप अपना काम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, दुकान पे भी पहले दिन भी जा सकते हैं, बस क्या है मोहल्ले वाले ये कहते हैं तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसा दौर आ गया है, अभी अभी अब्बा फौत हुआ है और अभी इनको कबाली की पड़ गई है, शरण कोई मना नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं शरण ऐसा मना नहीं है कि 3 दिन तक आप दुकान नहीं खोल सकते, दुकान पे नहीं जा सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, नौकरी पे नहीं जा सकते, ऐसा कोई मसला नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ कि पहली बात मैयत वाले खाना ना बनाए, ठीक, अगर दूसरा कोई बना रहा है आपको इतराज भी नहीं करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, दूसरा बनाने दे, वो आपकी खैरखाही में आपकी हमदर्दी में कर रहा है और उसको आपको भी खिलाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए और जो दूर दराज से है उनको भी देना चाहिए। बुरा उन लोगों के लिए है जो यहाँ से निकलकर उसके घर में खाना खाने गए बैठे हैं, यानी उनका घर भी वही है और फिर भी दावत उड़ाने गए बैठे हैं, एक उनका जानी नुकसान और दूसरा जो माल बचा कुचा है वो भी उड़ा के जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो रस्मी है, वो चीजें गलत है। अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इल्म और उम्र में बरकतें अता फरमाए, और मैं मस्जिद इंतजामिया और खिदमत कमेटी के तमाम मेम्बरान की जानिब से शेख मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और आप तमाम अहबाब का भी, कि आप हमारी दावत पर या तशरीफ लाए, अल्लाह ताला जो हमने जो कुछ सुना है उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। चंद ऐलानात हैं ये समाज फरमा लें, एक ऐलान तो बीमारों के लिए दुआ के लिए अल्लाह ताला तमाम मुवाहिदीन मुस्लिमीन को शिफाए कामला व आजला अता फरमाए। जनाब अब्दुल मजीद साहब कोई बीमार है, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त है, और बिलखसूस हमारे जो खिदमत खल कमेटी के सदर हैं आप तमाम अहबाब जानते हैं तकरीबन सलीम बरसोला साहब, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा नासाज है, तशवीशनाक है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला व आजला अता फरमाए। इन तमाम कामों के जो आज का ही प्रोग्राम है उसमें भी वो हमारे सरबरा है, सारे कामों में दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वो दोबारा हमारे साथ यहाँ इन सारी सरसरियों में शामिल हो जाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और दूसरा ऐलान आइंदा महाना प्रोग्राम का है,
जो अगले महीने 4 फरवरी को इंशाअल्लाह नजीर मुनक्किद किया जाएगा, उसमें 2 उलमा-ए-किराम मदु किए गए हैं, 2 इल्मी शख्सियात। एक तो हमारे खल कमेटी के जो सरपरस्त आजा हैं फजीलत शेख मुफ्ती हाफिज सलीम हिफ़िज़हुल्लाह तआला, और दूसरे नवाब शाह के हैं फजीलत शेख हाफिज शब्बीर अहमद जमाली हिफ़िज़हुल्लाह। दोनों उलमा-ए-किराम तशरीफ लाएंगे। मौसूसी जो तफसीली इश्तिहार है जो है वो बाद में उसका ऐलान कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पर भी और पोस्टर के जरिए इंशाअल्लाह। नमाज के बाद तमाम अहबाब के लिए खाने की जो दावत है उसे कबूल कीजिएगा, और तमाम साथी माएँ बहनें हमारी तमाम खवातीन आप नमाजी अहबाब या जो दूर से आए हैं दावत कबूल कीजिएगा और खाना खाकर जाइएगा। निसाब से अल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।